Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Today we will do the next poem. Is This the End, written by Aurobindo Ghosh. This poem is taken from your book Literary Battle, Class Plus 2, in the subject of Elective English, Punjab School Education Board. इस कविता में जो कवि हैं, उन्होंने जो ये बताने की कोशिश की है कि जो मानवीय शरीर है वो नाशवान है और जो आत्मा है वो अविनाशी है. शरीर को छोड़ देने के बाद आत्मा जो है वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है. मनुष्य जो है वो मर जाता है लेकिन उसकी आत्मा हमेशा अमर रहती है. आइए करते हैं इस कविता को. इज दिस द एंड ऑफ ऑल दैट वी हैव बीन एंड ऑल वी डिड और ड्रीम्ड. A name unremembered and a form undone. Is this the end? कभी कहते हैं कि क्या यही जीवन का अंत है कि मनुष्य की मौत हो जाती है और इस दुनिया में वो बहुत सारे काम करने के बाद जब मर जाता है, बहुत सारे सपने लेने के बाद जब वो मर जाता है तो जल्दी ही उसे लोग भूल जाते हैं. उसका मृतक शरीर मिट्टी से मिल जाता है. कवि जानना चाहते हैं कि क्या यही जीवन का अंत है. अ बॉडी रॉटिंग अंडर अ स्लैब ऑफ स्टोन और टर्न्ड टू एश इन फायर, अ माइंड डिसॉल्व्ड लॉस्ट इट्स फॉरगॉटन थॉट्स, इज दिस द एंड. फिर वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद एक मृतक शरीर को या तो दफना दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है. अगर दबा दिया जाता है तो वह मिट्टी के भीतर गल सड़ जाता है और अगर जला दिया जाता है तो जलकर राख हो जाता है. यही सोचकर जो कवि हैं वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या मनुष्य के जीवन का अंत इसी तरह हो जाता है, जबकि वह खुद इस तथ्य को साफ करते हैं कि केवल शरीर मरता है, आत्मा जीवित रहती है. Our little hours that were and are not more, our passions once so high, being mocked by the still earth and calm sunshine, is this the end? अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस संसार में थोड़े समय के लिए जीता है. एक समय होता है जब उसकी इच्छाएं और आकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन उसकी मौत के बाद वह एक व्यंग्यमय पात्र बनकर रह जाता है. धरती और सूरज उसके भाग्य पर हंसते हैं और यह सोचकर कवि हैरान हो जाता है क्या इस तरह से मानवीय जीवन का अंत होना चाहिए. आर यर्निंग्स फॉर द ह्यूमन गॉड्स क्लाइम पासिंग थ्रू द हार्ट्स डिसेप्ट व्हाइल स्माइल टुवर्ड्स डेथ And how the world is this the end? मानवीय आत्मा दैवीय गुण प्राप्त करके परमानंद को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन आत्मा व्यर्थ ही मोह माया में फंस जाती है और मानव उस परमानंद की प्राप्ति से वंचित हो जाता है. हालांकि कवि कहते हैं कि मौत हो जाने से इच्छाओं का अंत नहीं होता. मनुष्य दैहिक तौर पर मर जाता है लेकिन उसकी तृष्णा खत्म नहीं होती. ये उसकी मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहती है. मृत्यु तो उसके लिए एक हास्यास्पद वस्तु बनकर रह जाती है. Fallen is the heart, shattered it lies and mute is the unseen clear dead, because the tree is felt where the bird sang, must the song to hush. अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है हार्प. हार्प वर्ड जो यूज हुआ है वो हुआ है ह्यूमन बॉडी के लिए, और जो शैटर्ड वर्ड यूज किया है कवि ने वो डेड बॉडी के लिए यूज किया है ना. तो कहते कि जो मरने के बाद जो मनुष्य की देह है वो पृथ्वी पर पड़ी हुई है. इज द अनसीन प्लेयर डेड. अब यहाँ पे जो अनसीन प्लेयर है उसे आत्मा को बोला गया है, क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. तो कहती कि जब शरीर मर जाता है तो क्या वो अनसीन प्लेयर यानी कि आत्मा जो है
वो भी मर जाती है. बिकॉज द ट्री इज फैल वेयर द बर्ड सैंग मस्ट द सॉन्ग टू हश. वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि ट्री जो है यहाँ पे इसको ह्यूमन बॉडी जो है उसको लेकर बोला गया है, और बर्ड जो है वो भी आत्मा को बोला गया है. क्योंकि सुनने में आता है ना कि जब हम मर जाते हैं तो आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ देती है. तो कहती है जब वृक्ष रूपी जो देह है वो गिर जाती है यानी कि मर जाती है, तो क्या आत्मा रूपी पक्षी जो है वो गाना गाना बंद कर देता है, या इसका मतलब है कि क्या वो भी उसके साथ खत्म हो जाता है. वन इन द माइंड हु प्लांट एंड वेल्ड एंड थॉट वर्क टू रीशेप अर्थ्स फेट. वन इन द हर्ट हु लव्ड एंड यर्न्ड एंड होप्ड डज ही टू एंड. फिर वो कहते हैं कि यह दैवीय प्रकाश मानवीय मस्तिष्क में बहुत सारी योजनाएं बनाता है, इच्छाएं रखता है और बहुत सारे सोच विचार रखता है. यह संसार को नियति अथवा भाग्य को एक नया आकार देने की योजना बनाता है. यह दैवीय शक्ति मानवीय दिल में प्यार, इच्छाएं और आशा का स्रोत होती हैं. कभी हैरान हो जाते हैं कि क्या यह दिव्य शक्ति भी मानवीय शरीर को खत्म होने के बाद खत्म हो जाती है, जबकि वे कहते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा अमर है. दिस इमॉर्टल इन द मॉर्टल इज हिज नेम. अब जो कवि हैं वो कहते हैं कि शरीर नाशवान है, जबकि इसमें दैवीय शक्ति आत्मा अमर है. एन आर्टिस्ट गॉड हैट हियर इवन रिमोल्ड हिमसेल्फ इन ट्यूमर शेप्स अनविलिंग टू सेज टिल ऑल इज डन फॉर विच द स्टार्स वर मेड टिल द हार्ट डिस्कवर्ड गॉड एंड द सोल नोज इटसेल्फ एंड इवन देन देयर इज नो एंड. परमात्मा जो कि एक कलाकार है वह लगातार नए आकार और रूप लेता है. An artist God had here ever remolded himself in dreamer shape. इसका मतलब है कि परमात्मा जो कि एक कलाकार है वह लगातार नए आकार और रूप लेता है, जिसमें कि सभी दैवीय गुण सूक्ष्म रूप में विद्यमान होते हैं. आत्मा का विकास जो होता है वो लगातार होता रहता है. आत्मा के स्वयं की खोज करने के बाद भी यह कभी समाप्त नहीं होता. इसमें कवि कहते हैं कि बौद्धिक विकास कभी नहीं रुकता. यह विकास तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट द मैन इज मॉर्टल वेयर एज सोल इज इमॉर्टल एंड थॉट प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर नेवर स्टॉप्स टिल इट रीचेस द स्टेज ऑफ डिवाइन ब्लिस नोन एज परमानंद. So it was a beautiful poem with the philosophical thoughts by Aurobindo Ghosh. I hope you will definitely understood the truth of life after understanding the deep meanings of the poem. See you next time with a new topic. Till then, goodbye. Have a nice time. If you like my video, please do not forget to like, share and subscribe.